क्या आप ज्योति मौर्या के चर्चित प्रकरण को भूले हैं? अब झांसी से आ रही एक नई कहानी ने सबका ध्यान खींच लिया है। लोग इसे ज्योति मौर्या पार्ट टू का नाम दे रहे हैं। एक कारपेंटर ने अपने खून पसीने की कमाई से अपनी पत्नी को पढ़ाया, उसे सरकारी नौकरी दिलवाई और फिर जब उसकी पत्नी ने नौकरी पा ली तो उसने अपने पति का साथ छोड़ दिया। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में विस्तार से। झांसी के नीरज विश्वकर्मा ने प्यार में पड़कर ऋचा से शादी की थी। दोनों ओरछा के राम राजा मंदिर में विवाह के बंधन में बंधे थे। शादी की तस्वीरें और वीडियो नीरज के पास आज भी है। ऋचा ने पढ़ाई करने की इच्छा जताई और नीरज ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पढ़ाने का बीड़ा उठाया। कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद ऋचा लेखपाल बन गई, लेकिन फिर अचानक नीरज की दुनिया ही बदल गई जब ऋचा ने न केवल उसका साथ छोड़ा बल्कि शादी होने की बात से भी इनकार कर दिया। नीरज ने बताया कि 18 जनवरी को ऋचा अचानक घर से गायब हो गई थी। कई दिनों तक उसे ढूंढने के बाद भी जब कुछ पता नहीं चला तो नीरज ने फैमिली कोर्ट में मुकदमा दायर किया। आज कलेक्ट्रेट में नव नियुक्त लेखपालों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। नीरज ने सोचा कि शायद यहां उसे ऋचा से मिलने का मौका मिल सके। विश्वकर्मा है, मेरी धर्मपत्नी का नाम ऋचा सोनी विश्वकर्मा। आज आप कलेक्ट्रेट में आए थे, क्या मामला था, क्यों आए थे और यहां आने के बाद क्या क्या यहां के? सर जी, मैं हमारी धर्मपत्नी का आज नियुक्ति पत्र मिलना था लेखपाल का, तो इस चक्कर में हमें पता चला तो हम इसलिए हम चले आए यहाँ पे। तो हमें पता चला कि धर्मपत्नी भी अंदर ही हैं, हमें भाई मुलाकात नहीं हुई उनसे, और 28 जनवरी से हमारे साथ नहीं रह रहे हैं। ठीक, कह रहे कि हमें कुछ शादी नहीं हुई, हमारा बकायदा राम राजा सरकार हमने शादी की, फकाया फिर मंदिर साथ फेरे लिए, सेक्शन 9 का मुकदमा चला हमारा, उसमें राजीनामा किया, उसके बाद उनके पास थोड़े बहुत प्रूफ थे और वो भी साथ ले गई थी हमारे, हमारे पास सेक्शन 9 की भी डिग्री है, और पुलिस वालों ने विवेचना की थी तो विवेचना में धर्मपत्नी कहा उन्होंने, धर्मपत्नी है आपकी जी विवेचना में, वो इसलिए ये रहती कि अब वे सोचने लगी तुम कारपेंटर हो, हम लेखपाल बन चुके। नीरज ने कलेक्ट्रेट में जाकर डीएम से न्याय की गुहार लगाई। उनका दावा है कि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और अब वह उन्हें छोड़कर चली गई। नीरज का दर्द साफ झलकता है और उनकी आवाज में न्याय की पुकार है। क्या नीरज को न्याय मिलेगा? क्या ऋचा अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगी? लोकल 18 के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।